सरकार की तरफ से सुरक्षा के क्या अंजाम किए गए? यहाँ पे बहुत बढ़िया अंजाम, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, सभी सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त यहाँ पे रहती है। हम लोग सब सुरक्षा घूमकर आप सभी को कैसा लगा, एक बार जम के बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोबारा घूमने आएंगे? गवर्नमेंट से किसको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए और इसको यहाँ पे कुछ नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। तो यहाँ पापा का हाथ बैठाते हैं। जिंदगी में कभी कभी रास्ते मंजिलों से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और आज की कहानी में तो सफर और मंजिल दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं। तो आज की डेस्टिनेशन बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और सुनिए एक अनसुनी दास्तां। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धोबिया घाट आश्रम के जस्ट सामने। कितना किलोमीटर चल गया है? चल गया है 125 किलोमीटर। तो करीबन 125 किलोमीटर हम यहाँ से सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं फाइनली। कुछ रास्ते में जो रास्ता है काफ़ी ख़राब है, तो अगर आप गुप्ता मुँह होके आते हैं तो आपको रास्ता काफ़ी ख़राब मिलने वाला है। तो अपनी कमर सीधी करके और कायदे से मजबूती के साथ आइए, वरना दिक्कत हो सकती है शायद, है ना? ड्राइवर बहुत फास्ट होना चाहिए। ड्राइवर फास्ट है और आप उसी तरह से एक्टिव होने चाहिए। अगर आप सो रहे हैं तो आपकी नींद पक्का उड़ने वाली है ऐसे रास्ते में चलने के बाद। तो आई थिंक 5-6 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, राइट? नहीं, कम से कम 8-10। हाँ, तो 8-10 किलोमीटर का रास्ता बीच में खराब है, बाकी रास्ता स्मूथ है। तो आइए फिलहाल, तो बाकी देखते हैं, अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं। चलिए मेरे साथ। हरदोई जिले के पिहानी क्षेत्र में पहले काफी ज्यादा जंगल हुआ करते थे, और जो जंगल अब बचे हुए हैं उनमें से एक जंगल धोबिया आश्रम का भी है, जिसकी आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। यह आश्रम पिहानी से 6 किलोमीटर दूर और मेन हरदोई सिटी से 45 किलोमीटर दूर है। इस आश्रम का नाम धोबिया कैसे और कब पड़ा इसका तो कोई अता पता नहीं है, पर यह कहा जाता है कि ये धौम्य ऋषि का आश्रम था। धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित थे। यह पूरा जंगल काफी पुराने जंगली पेड़ों से घिरा हुआ है, जो करीबन 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां की नेचुरल ब्यूटी में लोग समय बिताने आते हैं और सुकून पाकर लौट जाते हैं। इस जंगल के बारे में महाभारत से जुड़ी बहुत सी कहानियां भी सुनाई जाती हैं, जिनमें से एक कहानी आपको इस वीडियो के एंड में सुनने को मिलेगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस जंगल की वो जगह जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आया करते हैं। तो पेश है आपके सामने इस जंगल की सबसे नायाब जगह। इस खूबसूरत जगह को गवर्नमेंट ने हाल ही में विकसित करवाया है। विकसित करवाने की वजह है यहाँ का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जो इस जंगल में खुद ब खुद ही जमीन से बाहर निकलने लगा था। तो अगर आपको फॉरेस्ट कैंपिंग और पिकनिक का मजा लेना है तो आइए ना, ये जगह बिल्कुल आप ही के लिए। ये जो आपको यहाँ गड्ढा दिख रहा है ना, यही वो प्राकृतिक जल है जो अपने आप यहाँ से बाहर निकलता रहता है। इस साफ पानी में जब कैमरे को अंदर डुबाया तो नजारा कुछ ऐसा था, है ना खूबसूरत। इस प्राकृतिक जल स्रोत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में जमीन से पानी बाहर आता है और इस हिस्से में पैर रखना सख्त मना है। दूसरे हिस्से में लोग नहाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और तीसरे हिस्से में यह पानी बहता हुआ जंगल में चला जाता है। नाम बता दिया? सौरभ तिवारी। सौरभ जी कहाँ से आए हैं? मैं अभी DCM श्रीराम लिमिटेड में हूँ, शुगर यूनिट हरियाणा में। ओके। पोस्टेड हूँ डिप्टी मैनेजर प्रोसेस। ओके। तो ये प्लेस कैसा लगा आपको? अच्छा है, मतलब आउटिंग के लिए आप 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं फैमिली के साथ। थोड़ा सा एक है नेचुरल चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि बच्चों के लिए भी थोड़ा सा एक वैसा माहौल है। और दूसरा सबसे बढ़िया है कि जो नेचुरल पेड़ों की साइड मतलब साइड रहती है, उसकी वजह से आपको गर्मी का ज़्यादा बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होगा कि आपको AC छोड़ के या वैसा छोड़ के आपको वैसा फील हो। तो उन सब चीज़ों के मामले में अच्छा है कि आप 3-4 घंटे आप अच्छे से वो कर सकते हैं और अपना खाने पीने की चीज़ें ला के, और यहाँ भी आप
मैगी और ये सारी चीज़ें ला के बना सकते हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर आके फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं? रिकमेंड करूँगा कि कम से कम ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कि किसको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए और इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ टिकट करके, ताकि इसकी जो और वो है वो रिनोवेशन कराया जा सके और थोड़ा सा और फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, थोड़ा सा शॉप वगैरह हो जाए तो बच्चों के लिए और अच्छा हो जाए। तो अभी यहाँ पर पूरा ग्रुप घूमने आया है, एक एक करके सबसे पहले उनका नाम जानते हैं, उसके बाद देखते हैं उनका फीडबैक क्या है इस प्लेस के बारे में। भैया अपना नाम बताइए। लालू सिंह। अविकास सिंह। डाबू। विजय गुप्ता। आनंद गुप्ता। आशीष गुप्ता। अच्छा, तो आप सभी फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमने आए। अच्छा, कहाँ से आए? अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर जिला। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है। अच्छा, तो ये प्लेस आपने घूमा, आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे सरकार को बढ़ानी चाहिए जिससे आपको और सुविधाएं मिल सके यहाँ पे? आपके हिसाब से क्या सलाह देना चाहते हैं आप? यहाँ पे बस घूमने के लिए और अच्छे से मतलब वातावरण अच्छा हो जाए थोड़ा। आपकी सर सही है, वही यहाँ पे रहने के लिए जैसे कि कोई आए बाहर से उसके बैठने उठने की व्यवस्था कर दी जाए, जो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन पहले से सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छा, पहले वहाँ पे इतना नहीं था लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा उसने बनाया है, जो नहाने वाले पार्क है वहाँ पे बहुत अच्छा बना दिया तब से है। तो यहाँ घूमकर आप सभी को कैसा लगा, एक बार जम के बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोबारा घूमने आएंगे? संडे को आते हैं, हर संडे को आते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दिए। मेरा नाम लाल बहादुर सर। तो लाल बहादुर जी, पब्लिक जैसे यहाँ पर घूमने आती है तो यहाँ पे सरकार की तरफ से सुरक्षा के क्या अंजाम किए गए? यहाँ पे बहुत बढ़िया अंजाम, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, सभी सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त यहाँ पे रहती है, हम लोग सब सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं बढ़िया करके। हाँ, सुरक्षा से संबंधित कभी कोई ऐसा केस या वाक्य आपके सामने आया? नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं। ओके, वैसे टाइमिंग क्या है यहाँ की हम लोगों के लिए? नहीं, मतलब आम पब्लिक कब से कब तक आ सकती है? सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं, शुरू होते वही 4 बजे तक तो आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर चले जाते हैं सब यहाँ से। अच्छा, मतलब रात में घूमने की दृष्टि से ये सुरक्षित स्थान नहीं है क्योंकि जंगल है? हाँ, जंगल है यहाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने आते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि उनको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम ये मान लें। वहाँ आश्रम बना हुआ है, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, वहाँ रुकने की व्यवस्था है आश्रम में। ओके, ठीक है। ओके बेटा, तो ये तुम्हारी दुकान है? हाँ। नाम क्या तुम्हारा? राजन गुप्ता, दुल्लापुर। अच्छा, दुल्लापुर लगा के बताते हैं आप। अच्छा राजन गुप्ता जी, तो क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पे? पकौड़ी और टिक्की और समोसा और पकौड़ी, मिर्चा और बतासे और कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, तो इतनी सारी चीजें देते हैं। अच्छा बताइए, पकौड़ी, मिर्चा पकौड़ी और ये टिक्की वगैरह क्या रेट देते हैं? 10 रुपए की टिक्की, 10 रुपए की 8 पकौड़ी और मिर्चा 10 के 2 और 10 के बतासा 8 और कोल्ड ड्रिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। तो यहाँ पापा का हाथ बटाते हैं? ठीक है, एक बार पापा को दिखाते हैं कैमरे में। पापा अपना नाम भी बता दीजिए आप। हमारा नाम मदन पाल गुप्ता। तो ये मदन जी हैं जो जिनकी यहाँ शॉप है, अगर आप आएंगे तो खाने पीने के लिए आपको कुछ भी चाहिए तो एक लौती शॉप मुझे यही दिखी, यहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं। तो गुरु जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम स्वामी नारायणानंद जी है, संचालक हैं यहाँ के, महंत भी हैं और ये तपोवन सिद्ध आश्रम धोबिया है, ये धौम ऋषि की तपस्थली है और अज्ञात जिसमें पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस अज्ञातवास काल में कुछ समय इन्होंने यहाँ व्यतीत किया। अच्छा, पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था? अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया जिसमें पानी की अपेक्षा होने के कारण उन्होंने बाण का प्रयोग करके बाण गंगा का प्रादुर्भाव किया जो आज भी प्रत्यक्ष चल रहा है। और यहाँ धरती से जो वहाँ पे पानी निकल रहा है स्वतः, वो बाण गंगा है जिसको अर्जुन ने अपने बाण से निकाला था। जी, और इसके बाद में यहाँ कई एक ऋषियों के ढांचे भी मिले हैं जिनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद स्वामी श्यामानंद जी, स्वामी रामानंद जी, स्वामी तालेश्वरानंद जी, नेपाली बाबा, उदयानंद बाबा, लज्जाराम बाबा, आजाद बाबा, कई एक संत यहाँ ऐसे मानत हो चुके हैं, इनके द्वारा आश्रम संचालन होता चला आया और 1978 से हम इसका संचालन कर रहे हैं। 1978 से आप यहाँ पे हैं जी, काफ़ी बड़ी बात है।
और जिन बाबाओं के अभी आपने नाम लिए हैं जिन्होंने इसका पूर्व में संचालन किया हुआ था, तो उनकी ऑलरेडी यहाँ पे मंदिर में उनके मंदिर उनके नाम से बने हुए हैं, कुछ बने हैं, कुछ जमादियां बनने को पड़ी हैं जी। तो यहाँ पर और क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं? अच्छी क्या, ये जंगल का स्थान है, यहाँ प्राकृतिक छटाएं आपको देखने को मिलेंगी। सन 1990 में जब इसका पंजीकरण कराया था उस समय जो है यहाँ कुछ पर्यटन अधिकारी लोग आए थे, तो पर्यटन अधिकारियों ने उस समय यूपी उत्तराखंड एक था, उस समय जो है यूपी उत्तराखंड एक होने के बावजूद भी यूपी का दूसरा नंबर इसको माना था प्राकृतिक छटाओं में। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है इस स्थान को और ज़्यादा विकसित करने के लिए? सरकार की तरफ अभी तो कोई सहायता नहीं मिली है, अभी अपने आप पीछे ये आए थे का नाम डीएम साहब पुलकित खरे जी, जिनके द्वारा 54 लाख रुपया का यहाँ कारोबार काम किया गया, एक बिल्डिंग बनवाई गई, एक स्रोत पे काम किया गया। और इसके पहले सन 1992 में राजन शुक्ला सीडीओ साहब थे जिनके द्वारा कुछ काल हुआ, बाद बाकी किसी के द्वारा। और क्या सहायता आप चाहते हैं या इस क्षेत्र को और अपनी तरह से क्या और विकास यहाँ पर चाहते हैं, अगर आप बताएं तो शायद आपकी बात सरकार तक पहुँच जाए। हम यहाँ एक आवासीय संस्कृत विद्यालय चाहते हैं, सर्वप्रथम संस्कृत विद्यालय चाहते हैं जी, बहुत अच्छी चीज़ है। गुरुकुल संतों की परंपरा रही है, गुरुकुल के रूप में वो बच्चों का आवासीय विद्यालय हो जाए और गौओं की सेवा कर चलो बनी रही है, गांव से बन रही है, आश्रम से कोई बात नहीं है। बाद बाकी यहाँ लाइट की बड़ी किल्लत है, लाइट नहीं अभी तक आश्रम में पहुंची है, लाइट नहीं है तो पानी की समस्या होनी होनी जी। ठीक है, धन्यवाद। ओके गाइस, सो यहाँ से अब निकलने का समय हो गया है, हम लोग ने पूरा आश्रम कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारी वीडियो को ऐसे प्यार देते रहिए। और हम और जीतू अब यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र 125 किलोमीटर दोबारा से तय करना है वापस यहाँ से।